प्रादेशिक भूगोल को लगातार आगे बढ़ाते हुए आज हम यूएसए के कृषि प्रदेशों के बारे में संक्षिप्त चर्चा करेंगे। जो अपना यूएसए आपके सामने जो चित्र बना हुआ है, ये वर्तमान में महान शक्ति के रूप में उभरा है, लेकिन यह भी लगभग 16वीं शताब्दी के अंदर यूरोप के अधीन रहा है। यानी कि इस पर भी ब्रिटिश शासन ने लगभग 150 वर्षों तक क्या है अधिकार जमाए रखा। लेकिन फिर धीमे धीमे क्या है, लगभग 1776 के करीब ये यूएसए जो है आजाद हो गया था। अब यूएसए के अंदर जब यूरोपवासी आए थे, तो इन्होंने पूर्वी तट से लगातार पश्चिम की तरफ यहाँ की जो मूल निवासी थे, नाम था रेड इंडियन, इनको पश्चिम की तरफ खदेड़ते हुए लगातार उनके क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। और इन्होंने लगातार जैसे जैसे पश्चिमी क्षेत्र की ओर बढ़े, तो इन्होंने वहां के वन क्षेत्रों को समाप्त कर दिया। यानी कि जंगली क्षेत्रों का लगभग उन्होंने सफाया किया, और वहां पर उन्हें जैसे ही अपलेशियन क्षेत्र को इन्होंने क्रॉस किया, इन्हें यहाँ पर एक विशाल मैदान भी मिला। और इस विशाल मैदान के कारण ही जो वर्तमान में जो यूएसए का जो स्वरूप है, ये इतना विकसित हुआ है। क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में फसलें, और इन फसलों से क्या है, इनके पशुओं को और इनको खुद को क्या है, भोजन की जो पूर्ति होती रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर इन्होंने स्थायी रूप से निवास कर लिया। फिर हालांकि आगे आगे बढ़ते जो क्षेत्र है, फिर स्वतंत्रता के बाद में जो यहाँ के जो मूल निवासी हैं, या यहाँ के जो निग्रो जो अफ्रीका से ये लेकर आए थे, उन लोगों ने यहाँ पर क्या है अधिकार कर लिया है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर मुख्य रूप से हमने इसे 8 कृषि प्रदेशों में बांटा है, जिनमें अगर हम सबसे पहले प्रदेश की बात करें, तो नाम है आर्द्र उपोषण कृषि मेखला। यह आर्द्र उपोषण कृषि मेखला जो है, यह मैक्सिको की खाड़ी से लेकर फ्लोरिडा प्रायद्वीप, और फिर वहां से उत्तर की तरफ चलें तो अंध महासागर के तट के सहारे फैली हुई है। यहां पर अगर जो खाड़ी तटीय क्षेत्र है, या खाड़ी जो मेक्सिको के खाड़ी के जो देश हैं, खाड़ी के पास के जो देश हैं, तट के जो देश हैं, उनकी बात करें, तो सबसे बड़ा जो टेक्सास राज्य है वो आएगा, फिर लुसियाना, फिर अलाबामा, और उसके बाद में जॉर्जिया, फ्लोरिडा, और ऊपर की तरफ इन क्षेत्रों के अंदर क्या है कि यहाँ पर चावल और गन्ना का जो उत्पादन है वो हुआ करता है। यहाँ पर चावल और गन्ने की कृषि की जाती है। यानी कि ये आर्द्र क्षेत्र जो है, ये गन्ना और चावल के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। फिर भी अगर थोड़ा सा और अगर अपने फ्लोरिडा प्रायद्वीप, जिसकी जो लंबाई देखें, 640 किलोमीटर, चौड़ाई 224 किलोमीटर के लगभग है, इस क्षेत्र में साग सब्जियों का उत्पादन, और इससे उत्तर की तरफ चलें तो उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना, वर्जीनिया, इन क्षेत्रों में जो है वो सब्जी का उत्पादन होता है, फलों का उत्पादन होता है। हालांकि इस क्षेत्र में भी क्या है, फ्लोरिडा के इस क्षेत्र में भी क्या है, यहाँ पर जैसे कि संतरा, नींबू, रसदार फल और गुद्देदार जो फल हैं, उनका उत्पादन हुआ करता है। इस क्षेत्र में जो फल और सब्जियों का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जितने भी ये फसल होती है, इसको कहते हैं हम ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक तरह से ट्रकों के माध्यम से दैनिक रूप से जो है इस माल को बाजार के अंदर उपलब्ध करवाया जाता है। यानी कि यहाँ की जो फसल है, यानी कि फल और यहाँ की सब्जियां जो है, वो दैनिक रूप से ट्रकों में भरकर जो है शहरों में पहुंचाई जाती है, इसीलिए इसे ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। और इस क्षेत्र का जो है वो वर्तमान में काफी विकास हो चुका है। इसके बाद में अगर बात करते हैं हम सेकंड नंबर की, तो वो है हमारी कपास मेखला। कपास मेखला के अंदर का जो क्षेत्र देखें, कपास मेखला का अगर क्षेत्र देखें, तो ये 26 डिग्री जो अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश जो है, वो इसकी उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। और इसी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है, यहाँ पर ही 200 दिन है, 200 दिन पाला रहित रहता है। कि इस क्षेत्र में 200 दिन पाला रहित जैसी परिस्थितियां मिलती है, वहां तक ही कपास पैदा की जाती है। इसकी जो पश्चिमी सीमा है, पश्चिमी सीमा जो है वो 100 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो निर्धारित करती है। अगर वर्षा की बात करें, तो यहाँ 50 सेमी वर्षा रेखा जो है वो इसकी 50 सेमी जो वर्षा रेखा है वो इसकी पश्चिमी जो सीमा है उसका निर्धारण करती है।
यानी कि 100 जो देशांतर है, 100 डिग्री जो देशांतर है, पश्चिमी देशांतर है, वह और उसी रेखा पर से होकर होती हुई कौन सी 50 सेमी वर्षा रेखा जो है, ये दोनों मिलकर इसकी पश्चिमी सीमा का निर्धारण करते हैं। हालांकि इस क्षेत्र में जो है वो 60 सेमी से लेकर 150 सेमी के बीच में वर्षा होती है, यानी कि काफी है। इस क्षेत्र में वर्षा जो है वो 60 और 150 सेमी की ओर होती जाती है। इस क्षेत्र में जो वर्षा होती है उसका क्रम भी आपको पता होगा कि ये पूर्व से पश्चिम की ओर लगातार घटती चली जाती है। इस क्षेत्र में जो है यहाँ पर एक कपास क्षेत्र के अंदर पहले तो काफी इसका जो क्षेत्र था वो पूर्वी क्षेत्र में काफी उत्पादन हुआ करता था, वर्तमान में घट रहा है। कारण क्या है कि यहाँ पर बोल विविल नाम का एक कीड़ा पाया जाता है जो पूर्वी क्षेत्र में है। पहले ये मेक्सिको में था लेकिन अब कुछ वर्षों में ये कुछ दशकों में से ये क्या है इसमें प्रवेश कर गया। कहाँ पर? इस पूर्वी जो क्षेत्र है कपास का, इसमें प्रवेश कर चुका है। आप देखेंगे कि इसकी जो दक्षिणी सीमा है, दक्षिणी सीमा उष्ण आद्र जो जलवायु है वो निर्धारित करती है। ऐसे ही उष्ण आद्र जलवायु इसकी पूर्वी सीमा का भी निर्धारण करती है। और अगर अपने इसके राज्यों की बात करें तो ये कपास मेखला जो है ये टेक्सास, ओक्लाहामा, मिसिसिपी और जॉर्जिया, इन क्षेत्रों के अंदर, आदि क्षेत्र, आदि राज्यों के अंदर ये जो है फैली हुई है। इस क्षेत्र में कपास की फसल काफी बार खराब भी हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ के स्थानीय निवासी जो हैं वो अन्य फसलों का भी उत्पादन करने लगे हैं, जिनमें चकुंदर, आलू, सोयाबीन और मकई, इस प्रकार का जो है वो अन्य उत्पादन भी करने लगे हैं। तो ये क्षेत्र जो है ये वर्तमान में घट रहा है। अब अपने बात करते हैं थर्ड नंबर मक्का जो मेखला है उसकी। तीसरा नंबर कौन सा है? मक्का मेखला। मक्का यहाँ की जो मध्य अमेरिका की जो मूल फसल है, यानी कि मक्का का जो जन्म स्थली माना जाता है वो अमेरिका को ही माना जाता है। तो मक्का जो है ये अपलेशियन और इस तरफ जो है वो 50 सेमी वर्षा रेखा जो है इसकी सीमा का रेखा का निर्धारण करती है। अगर यहाँ देशों, इसमें राज्यों की बात करें, यूएसए के कौन कौन से राज्य इसमें शामिल है, तो इसके अंदर ओहियो, आयोवा, इलिनोइस, इंडियाना, नेब्रास्का, इस प्रकार के ये राज्य जो है इसमें ये मक्का मेखला फैली हुई है। और लगभग 25 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान की रेखा है वो इसकी उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है। और इस क्षेत्र के अंदर लगभग 50 से लेकर 100 सेमी की जो वर्षा है वो होती है। औसत वर्षा क्या है? 50 से लेकर 100 सेमी के बीच पाई जाती है। और इस जो इस क्षेत्र की अगर अपनी लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो ये लगभग पूर्व से पश्चिम की ओर 2400 किलोमीटर का जो क्षेत्र रखता है, और उत्तर से दक्षिण की तरफ बात करें तो 1600 किलोमीटर की इसके क्या है ये बीच की दूरी पाई जाती है। अगर अपने इसमें बात करें कि यहाँ की जो मक्का है ये मुख्य रूप से फसल के रूप में काम आता है, खाद्य पदार्थ के रूप में काम आता है, और ये चारे के रूप में काम आता है। और चारे के आधार पर यहाँ पर क्या है, सुअर पालन बड़ी ही विशाल मात्रा में किया जाता है। यहाँ के जो सुअर हैं उनकी चर्बी जो है वो अत्यधिक मात्रा में बढ़ती है इस मक्के, और इसी वजह से यहाँ पर गोश्त की बहुत बड़ी जो है वो उत्पादन क्षमता रखने वाला ये क्षेत्र है। अब अपने इसके बाद में बात करते हैं फोर्थ नंबर मक्का और शीतकालीन गेहूं की मेखला है। ये गेहूं मेखला का अगर क्षेत्र की बात करें तो इसके ऊपर उत्तर की तरफ क्या है, मक्का मेखला, दक्षिण में क्या है, कपास मेखला, इन दोनों के बीच में मिलती है। अगर पूर्व पश्चिम में बात करें तो इसके पूर्व की तरफ अपलेशन जो पर्वतीय श्रेणी है वो मिलती है, और इसके पश्चिम की बात करें तो फ्लिंट की पहाड़ियां मिलती है, फ्लिंट की पहाड़ियां। और ये फ्लिंट की पहाड़ियां है, यहीं से एक रेखा निकलती है वर्षा रेखा, कौन सी, 80 सेमी की वर्षा रेखा। 80 सेमी की जो वर्षा रेखा है वो इसकी पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। और इस क्षेत्र में जो तापमान है वो 34 डिग्री औसत के करीब मिलता है। और यहाँ पर जो शीतकालीन गेहूं है वो उपजाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर शीत ऋतु में तापमान हिमांक से कुछ ऊपर रहता है, इस वजह से यहाँ पर गेहूं के परंपरे की जो दशा है वो मिल जाती है। अगर यहाँ पर तापमान हिमांक से नीचे रहता तो यहाँ पर गेहूं बिल्कुल भी नहीं पन पाता, लेकिन तापमान शीत ऋतु में हिमांक से
ऊपर मिलता है, इसी वजह से यहाँ पर जो है वो गेहूं का उत्पादन होने लगा है। मक्के का तो उत्पादन विस्तृत रूप से यहाँ होता ही है। इस क्षेत्र में 80 सेमी से सामान्यतः कम ही वर्षा मिलती है और ये क्षेत्र क्या है, ऊबड़ खाबड़ है। तो इस क्षेत्र में क्या है, जंगली दशाएं, जंगली वन है और घास जो है वो मिल जाती है। तो ये मक्का भी जो है ये भी यहाँ पर खाद्य के रूप में कम और पशुओं के चारे के रूप में अधिक इस्तेमाल कर ही लिया जाता है। इसके बाद में बात करें तो इस क्षेत्र के अंदर जो कौन कौन सा राज्य शामिल है, तो इसमें दक्षिणी पूर्वी पेंसिल्वेनिया शामिल है, कैरोलिना और वर्जीनिया जो है वो इसके अंदर शामिल है। इसके बाद फिफ्थ नंबर पे आती है गेहूं मेखला, और इसे हम क्या है दो भागों में बांटेंगे, शीतकालीन गेहूं मेखला और बसंतकालीन गेहूं मेखला। और वैसे ये जो शीतकालीन ही फसल है, गेहूं क्या है शीतकालीन ही फसल है, लेकिन बसंतकालीन क्यों, क्योंकि शीतकाल के अंदर अत्यधिक पाला पड़ जाए तो ये इसका पौधा जो है वो उगने में असमर्थ होता है। इसकी वजह से बसंत ऋतु का इंतजार किया जाता है और इसे बोया जाता है यानी पनपाया जाता है। तो बात करते हैं अपने शीतकालीन गेहूं मेखला की। यह शीतकालीन गेहूं मेखला जो है यह मक्का और शीतकालीन जो मेखला इससे पहले हमने फोर्थ नंबर पढ़ी है उसके पश्चिम में पाई जाती है यानी कि इस तरफ। और इस शीतकालीन यानी मक्का और शीतकालीन गेहूं की मेखला के ये पश्चिम में ये पाई जाती है। 80 सेमी वर्षा रेखा और 50 सेमी रेखा इसकी पूर्वी और पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। क्षेत्र की बात करें कि कौन कौन से राज्य इसमें शामिल है, तो इसमें कोलोरेडो, कंसास, मिसोरी, ओक्लाहामा, टेक्सास और न्यू मेक्सिको, ये जो राज्य हैं वो इसमें शामिल है। इस क्षेत्र में सामान्य पाला पड़ता है और वर्षा की कमी यानी कि यहाँ पर नमी भी बहुत ही कम मिलती है, और इस कम नमी के कारण इस क्षेत्र का जो गेहूं है वो कठोर हो जाता है। लाल और कठोर गेहूं जो है इस क्षेत्र में पाया जाता है। इसी के अंदर सेकंड नंबर अगर बात करें तो वो है बसंतकालीन गेहूं मेखला। तो हमने इसके गेहूं मेखला को दो भागों में बांटा था, शीतकालीन और बसंतकालीन। अब बसंतकालीन गेहूं मेखला के अगर क्षेत्र की बात करें तो ये कोलंबिया के पठार, और कोलंबिया का पठार जो आप देखेंगे कि इस तरफ पाया जाता है, तो इस क्षेत्र में यहाँ पर ये बसंतकालीन गेहूं की मेखला मिलती है। इसके अलावा उत्तरी डकोटा, दक्षिण डकोटा और मोन्टाना जो राज्य है इनमें भी क्या है बसंतकालीन गेहूं मेखला पाई जाती है यानी कि गेहूं जो है वो उपजाया जाता है। अगर अपने बात करें कि बसंतकालीन गेहूं क्यों, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर जो शीत ऋतु है उसमें पाला बढ़ता है और अत्यधिक पाला के कारण जो है जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो इंतजार करते हैं इस पाले के खत्म होने का। जब ये पाला खत्म होता है तो बसंत ऋतु आ जाती है, और बसंत ऋतु यानी मार्च अप्रैल, मार्च अप्रैल का समय के अंदर यहाँ पर इस फसल को क्या है बोया जाता है, ये पनप जाता है। सितंबर अक्टूबर में जाकर इसे काटा जाता है, और इसके बाद में सितंबर अक्टूबर में क्या है भूमि को तैयार करके फिर छोड़ दिया जाता है, फिर शीत ऋतु के अंदर पाला पड़ता है। लेकिन यहाँ पर कुछ प्रकार कोई भी जो है वो कृषि नहीं की जाती। इसके बाद में बसंत ऋतु प्रारंभ होने पर ये फिर से जो है इस क्षेत्र में गेहूं का यानी बसंतकालीन गेहूं का बीजांत जो है वो शुरू हो जाता है। अब सिक्स नंबर पे बात करते हैं, छठे नंबर पे आता है चारागाह है और दूध व्यवसाय की मेखला। इस क्षेत्र के अंदर हल्की और सामान्य वर्षा के कारण और कम वाष्पीकरण के कारण इस क्षेत्र के अंदर जो है वो घास सामान्यतः उग जाती है, और इस क्षेत्र के अंदर विशाल चारागाह जो बन जाते हैं, और उन चारागाह के आधार पे विशेष रूप पे यहाँ पर जो है वो पशुपालन जो है वो पनप जाता है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से लोरेशियन शील्ड और उसके अगर दक्षिण पूर्व में न्यू इंग्लैंड का जो क्षेत्र है वहां तक ये मिलता है। महान झील क्षेत्र से लेकर यह डकोटा की सीमा तक इसका विस्तार पाया इस जाता क्षेत्र है। में जो मक्का जो है वो विशेषकर पशुचारण के रूप में जो है वो काम आता है, और पशुचारण यहाँ पर काफी वृद्धि कर रहा है। और इसमें एक राज्यों की बात करें तो यहाँ पर दक्षिणी विस्कॉन्सिन, न्यूयॉर्क, मिशिगन, इंडियाना, इलिनोइस
ओहियो, इनमें जो है ये राज्य पाए जाते हैं। 7 नंबर पे बात करें तो पशुचारण और सिंचित कृषि क्षेत्र, इसमें यूएसए के पश्चिम में रॉकीज व कास्केड के मध्य में एक विषम धरातल वाला क्षेत्र है जो काफी क्या है, शुष्क है, अनुपजाऊ मिट्टी है। यहाँ पर 10 सेमी से भी क्या है कम वर्षा होती है। और इस क्षेत्र जो विस्तृत क्षेत्र है यहाँ पर बड़े पैमाने पर विस्तृत पशुचारण किया जाता है। और चारागाह की तलाश में इस क्षेत्र के लोग अपने पशुओं के साथ में लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जिसे हम ट्रांस ह्यूमन कहते हैं, यानी कि स्थानांतरण कर जाते हैं आगे की ओर, चारागाह की तलाश में आगे और फिर और आगे चले जाते हैं। आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि क्षेत्र में केवल एक पशु की जो है वो संख्या मिलती है तो औसत निकलता है। तो आप यूं समझिए कि बहुत विशाल क्षेत्र है और यहाँ पर अनुपजाऊ के पन के कारण या चारागाह की कमी के कारण जो है वो पशुओं की संख्या काफी कम है। क्षेत्र का जो मुख्य पशु है वो है भेड़। तो भेड़ के अलावा यानी कि यहाँ पशुचारण तो मुख्य रूप से क्या है, संख्या भेड़ों की ही अधिक है। और यहाँ पर इसके अलावा चकुंदर और आलू, अल्फा अल्फा जो घास है पशुओं के लिए, वो कपास जो है, कपास वगैरह ये उपजाई जाती है। और इसमें क्षेत्रों की बात करें तो साल्ट लेक क्षेत्र है, एरिजोना का जो गीला बेसिन है वो है, कोलंबिया का बेसिन है, स्नेक बेसिन है, और इसके अलावा कोलोरेडो बेसिन भी जो है इसमें ये क्षेत्र मिलता है। इसके बाद में बात करें लास्ट और अपना अंतिम जो मेखला है उसकी, तो भूमध्य सागरीय कृषि मेखला, इसका जो विस्तार है कैलिफोर्निया राज्य में मिलता है। और भूमध्य सागरीय कृषि से तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा होती है, ग्रीष्म ऋतु में नहीं। यहाँ पर जो मुख्य रूप से रसदार खट्टे फलों का जो है उत्पादन होता है, जिनमें अंजीर, नींबू, संतरा और अंगूर, खुबानी और रसदार जो ठीक है, जिनसे जो है वो अंगूर से किशमिश भी बनाई जाती है, सैंपेन भी बनाई जाती है और कुछ औषधियां भी जो है वो इससे बनती है। तो इस प्रकार की ये जो फसलें हैं वो यहाँ पर उपजाई जाती है। क्षेत्र कौन सा था, तो वो है कैलिफोर्निया राज्य। और इसके अंदर जो लॉस एंजल्स जो बंदरगाह है वहां से इन फलों का और इनका जो है यहाँ से निर्यात किया जाता है।